हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको क्यूरियोसिटी थी किसी बारे में, उसी के बारे में हम लोग बताने के लिए आए हैं आपको। आपको बहुत चाह थी कि सितंबर एग्जाम अनाउंस हो जाए, अनाउंसमेंट आ गई है सितंबर एग्जाम की, और कुछ बच्चों के लिए खुशखबरी, कुछ के लिए दुखखबरी भी कह सकते हैं। पहली बात तो दुखखबरी सीए फाइनल वालों के लिए, सीए फाइनल वालों के लिए सितंबर एग्जाम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। सीए फाइनल के जो एग्जाम्स है वो 2 times ही होंगे ईयर में, ये 3 times नहीं होंगे, ठीक है। बाकी ये जो एग्जाम आए हैं ये सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के लिए आए हैं, यानी अब जो है एक 1 year के बीच में 3 बार आपके अटेम्प्ट मिलेंगे। अभी जो सितंबर का जो पहला अटेम्प्ट आ रहा है सितंबर 2024 में, ये अटेम्प्ट में कौन कौन बच्चे बैठ सकते हैं ये बात जानने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो यही हम लोग क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर। पहले बात करते हैं सीए फाउंडेशन के लिए। सीए फाउंडेशन में जो बच्चे सितंबर में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जरूरी क्या है? उनके लिए जरूरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन 1 May से पहले पहले करा लें, इट मीन्स 30 April तक वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो वही बच्चे जो है सितंबर में एग्जाम दे पाएंगे। यानी कि इट मीन्स 1 May के बाद जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे वो जाएंगे जनवरी वाले क्वेश्चन में। एग्जाम कितनी बार होंगे साल में? साल में एग्जाम होंगे 3 बार। पहला बनेगा मई या जून का, यानी मई के एंड में और जून के स्टार्ट में होंगे। दूसरा बनेगा सितंबर में और तीसरा बनेगा जनवरी में, कह सकते हैं पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। आज से काउंट करें तो पहला ये बनता है, दूसरा ये बनता है, तीसरा ये बनता है। चलो, तो 1 May के बाद जो रजिस्टर्ड होंगे बच्चे वो किस में जाएंगे? वो जाएंगे जनवरी में। 1 May से पहले जो फाउंडेशन के रजिस्टर्ड होंगे बच्चे वो कहां जाएंगे? सितंबर एग्जाम में। तो सितंबर में अटेम्प्ट दे सकते हैं। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर न्यू स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीए इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट में कौन से बच्चे सितंबर में एग्जाम दे सकेंगे? तो सितंबर में जो बच्चे एग्जाम दे सकेंगे उसके लिए बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स 1 January 2024 इन दिस ईयर से पिछले साल में जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वही बच्चे जो है सितंबर में एग्जाम देंगे। अब जो इस साल जो बच्चे सीए फाउंडेशन में क्लियर हुए थे उनके दिमाग में बहुत ज्यादा आ रहा था कि हम तो सितंबर में एग्जाम देंगे, सितंबर में एग्जाम देंगे, जल्दी तैयारी कर लो, तो उनके लिए रिलैक्सेशन हो गया थोड़ा सा। वो जो बच्चे हैं वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे जनवरी में, उनके एग्जाम होंगे जनवरी 2025 में। दोज स्टूडेंट हु आर रजिस्टर्ड आफ्टर 1 January 2024 उनके एग्जाम होंगे जनवरी 2025 में, यानी कि जो लास्ट ईयर के जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं सितंबर एग्जाम के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। चलो ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो इस बार Feb 24 में पास आउट हुए हैं सीए फाउंडेशन के बच्चे वो एलिजिबल नहीं है सितंबर एग्जाम 2024 के लिए, उनके एग्जाम कहां जाएंगे? जनवरी 2025 में जाएंगे। तो टेंशन ना लो, आराम से पढ़ाई करो, अपनी जो स्पीड बना रखी है बना के रखो और अच्छे से तैयारी करो, और आपने सीए बनना है ये सोच के ही सीए की तैयारी करो, ठीक है। मुझे लगता है सारा क्लियर हो गया होगा। ओके, गुड बाय।